बोलेंगे हमारे साथ हमारा हौसला और यहाँ पर दर्शकों का हौसला भी बढ़ता नजर आएगा। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप पूरी तरीके से तैयार रहे। अभी एक ही ओवर के बाद मैं आपको एक मिनट की जिम्मेदारी सौंपने वाला हूँ। और यहाँ पर मैदान के अंदर एक खेलकदमी दिख रही है, पूरी तरीके से जश्न मनाया जा रहा है और इस वजह से इस विकेट को बड़ी ही जल्दी हासिल कर लिया है। पूरी तरीके से बिपिन नाम का ये सितारा गर्दिशें मचाता हुआ नजर आ रहा है। सामने अब जो बल्लेबाज हैं क्या कुछ अब करते नजर आएंगे। डीएम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए जाहिर थे और यहाँ से इतना मौका बनना चाहिए था लेकिन वहां पर खुश नसीबियां साथ दे रही है। भाग्यशाली रहेगी गिरने बल्ले का, बल्ले को चुनौती हुई नहीं गई वरना खतरा हो सकता था। यहाँ से जो बिपिन नाम का गेंदबाज है बड़ी ही अच्छे अंदाज के साथ खेल रहे हैं। बल्लेबाजी में ज्यादा दमखम नहीं दिखा पाए थे, पहले गेंद पे बोल्ड आउट हो गए थे। इस बार अच्छी गेंद, ये लगा है शॉट, क्वार्टर शॉट, सीधा बाउंड्री से बाहर, 6 रनों के लिए आधा दर्जन रन जुटा है टीम के साथ ही छक्के के सहारे। यहाँ से तो इनामों की बरसात हो रही है, ये गेंद को खेला है जरूर लेकिन मिलेगा सिर्फ शेखोपुर की तरफ से। कोई भी बल्लेबाज अगर छक्का मारता है लगातार 3 छक्का तो बल्ले से सिक्स निकलता है तो दीपक प्रधान नत्थूपुर की जानिब से 100-100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो आइए बटोरिए नत्थूपुर बल्लेबाज, अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद और उसको धीरे से खेला है उसका लेग अंपायर के ऊपर। जब तक की पूर्व में दोनों भाई अपने घर द्वार बेचकर मारते नजर आएंगे। बहरहाल यहाँ पर ओवर की अगली गेंद यहाँ पर उछाल कर मारा है जरूर, उस ओवर खिलाड़ी तैनात पकड़ लिए जाएंगे। ये लगा है एक और झटका और बहुत बड़ा झटका, यहाँ से नत्थूपुर टीम थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। विकेट तो ऐसे गायब हो रही है नत्थूपुर की जैसे लग रहा है शादियों से रसगुल्ला गायब हो रहा है। बहरहाल ओवर की अगली गेंद और ये गेंद किस दुनिया से आई है दोस्त। वाइड बॉल का इशारा आ रहा है अंपायर के जरिए और वन बाउंस का भी इशारा। यूसुफ नाम का गेंदबाज फिर से चेंजिंग के तौर पे आया है कामन के रूप में। इस बार फिर से ओवर की अगली गेंद बल्लेबाज मुलायम के लिए, ये शॉट लेकिन वहां पर नकारा है हमारे अंपायर मोहम्मद मुदस्सिर ने। और इस तरीके से वहां पर मुलायम के ऊपर दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। पूरी तरीके से कश्मकश वाला मुकाबला, इस बार फिर से यूसुफ की गेंद और फिर से जोरदार अपील लेकिन कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। मोहम्मद मुदस्सिर जो कि हमारे लेग अंपायर खड़े होकर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर होता तो अब तक 15-20 छक्के तो जड़ ही दिया होता। ये चांद पट्टी का उभरता हुआ सितारा मोहम्मद मुदस्सिर जो कि अंपायरिंग का कारोबार निभा रहा है। उधर के अगली गेंद, ये तो खेलना कहीं और चाह रहे थे, गेंद कहीं गई है और इस तरीके से लुढ़कते हुए 30 गज तारे के अंदर सिंगल पॉइंट की दिशा में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता आसानी के साथ 1 रन के साथ अपना छोर बदला मुलायम ने। चलिए दोस्त ओवर की अगली गेंद लेकर चलेंगे यूसुफ। अभी मैं प्रताप का रिकॉर्ड बताता नजर आऊंगा जहां जहां भी इन्होंने खेला है, अभी कुछ ही लम्हे बाद मैं बताता नजर आऊंगा। बहरहाल ओवर की अगली गेंद यहां पर यूसुफ की और ये प्रताप का बल्ला चला है जरूर लेकिन वहां पर उसी के पीछे भाग रहे खिलाड़ी। जब तक गेंद को फील कर पाते आसानी के साथ 1 रन खेल कदमी करते हुए पूरा कर लिया है। ये वही प्रताप है जिन्होंने बनकर टीम की तरफ से खेलते हुए नैनी जोर राजपूत स्टेडियम में कोहराम मचाया था। अपने सेमीफाइनल के मुकाबले में बहुत ही तेज तर्रार पारियों के साथ 121 रनों की पारी खेली थी और यहां से बेहतरीन शॉट और यहां पर मिस फील्ड हुई है। पीछे दोबारा मेहनत कर रहे हैं पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए ये दोनों खिलाड़ी एक तरफ, ये दोबारा जा रहे हैं दोबारा जा रहे हैं लेकिन आखिरी में घुटने टेकती हुई असफलता और यहाँ से एक विकेट का और पतन होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बड़ी हस्ती हमारे साथ जुड़ने वाली है और ये शॉट लेकिन देकर जाएगा विकेट और यहाँ से विकेट का पतन होता हुआ। ये देखिए आतिफ नाम का जो ये खिलाड़ी है इसकी गर्दिशें कुछ अलग ही नजर आ रही है। पूरी तरीके से एक अच्छा माहौल बनाकर रखा अपनी टीम के अंदर, क्यों ना हो मेरे दोस्त कि आजिम गमान प्रधान पद के प्रत्याशी अनजान शहीद बड़ी खूबसूरत बड़ा ही जबरदस्त गेंदबाज है ये विपिन, लगातार अपनी गेंदबाजी से दिल जीता है इसने और एक अपनी टीम को एक तरफा मुकाबला की तरफ खड़ा कर दिया है लाकर।
तो आज विकेटों में हल्की हल्की दौड़ लगाई, अंपायर को क्रॉस किया, ये गेंद इस बार का पकड़ जाएगा। जी हाँ, उसी के साथ हाथ एक पूरी होती हुई गेंदबाज विपिन की, गजब की गेंदबाजी, गजब का खेल इस शेखुपुर के गेंदबाज ने पूरी तरह से पूरा किया। असरत बीडीसी और वासी चिश्ती महामंत्री पद के प्रत्याशी शिमली नेशनल पीजी कॉलेज आजमगढ़ की सरजमीन से चलकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं इनका तहे दिल से अपनी मुंतजमीन कमेटी के साथ तहे दिल से इस्तकबाल कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि जहां तक हमारी निगाहें जा रही है, मैं देख रहा हूं कि अशरफ खान महाप्रधान पद के प्रत्याशी जो हमारे साथ मौजूद है, और यहां से ये देखिए ये शॉट देखा जाएगा सीधा विकेटों के साथ। और यहां पर तो मैंने जैसा पहले बीच में बोला था कि ये टीम ऐसे बिखर रही है जैसे शादियों से रसगुल्ला गायब हुआ करता है, वही अंदाज फिर से दिख रहा है। आओ सनम जाओ सनम वाली कहानी बन चुकी है, ऐसा लग रहा है कि तमाम बल्लेबाज आपस में फैसला कर लिए हैं कि तू चल मैं आया, यही वाली बात चल रही है। तो पांचवें विकेट को हॉल करते हुए गेंदबाज विपिन, तो दूसरे गेंदबाज बने इस टूर्नामेंट के जो दो ओवर के स्पेल में पांच विकेट लिए। इस बार ये गेंद बड़ी खूबसूरत गेंदबाजी, बिट किया बल्लेबाज को, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो ऐसे दूसरे गेंदबाज बने मिस्टर खालिद साहब, इससे पहले शेखर पहले गेंदबाज बने जो दो ओवर के स्पेल में पांच विकेट झटक लिया था। जी हाँ आदिल भाई, ये दूसरे गेंदबाज हैं जिन्होंने पांच विकेटें एक स्पेल में हासिल की है। नए गेंदबाज के रूप में मिस्टर अनस, पहले ओवर की गेंदबाजी यानी कि टीम की तरफ से चौथे ओवर की गेंदबाजी लेकर चले हैं, और ये पहली गेंद अच्छी गेंद, अरे गेंद उनकी उंगलियों में टकराई, दर्द से थोड़ा सा कर रहा है, लेकिन ये मुकाबला जो बड़ा गर्म है, तो दर्द हो चाहे तकलीफ हो इसको नजरअंदाज करना होगा। रन माइनस किए जा रहे हैं वहां पर, अब पांच गेंदों में 36 रनों की जरूरत। अनस चले विकेटों पर दौड़ लगाई, अंपायर को क्रॉस किया, ये गेंद इस बार बड़ी अच्छी गेंद हिट कर गई, बल्लेबाज को कोई मौका नहीं, बल्लेबाज के पास कोई मुलाकात नहीं गेंद और बल्ले से। इस बार हाई एंड हाई, नीचे गेंदबाज खुद बड़ा ही खूबसूरत कैच पकड़ा और बल्लेबाज की पारी कांत कर दिया। आठ विकेट गिर चुके हैं टीम नत्थूपुर के, तो जिस तरह से गेंदबाजी की बल्लेबाजी नहीं कर पाई टीम नत्थूपुर, तो एक गजब का खेल चलता हुआ शेखुपुर के गेंदबाजों के द्वारा। लगातार विपिन और बिलाल जैसे खिलाड़ियों ने अपने गेम को शो किया और अपनी टीम को कई कदम आगे ले गए। इस बार बड़ी तेज तर्रार गेंद, इस बार भी गेंद और बल्ले का कोई मिलन नहीं हुआ, और बड़े देर के बाद मैं देख रहा हूं इस बार खेला है, अदनान नजर आ रहे हैं। तो मैं अदनान के लिए कहा करता हूं कि मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनके लिए कहा करता हूं कि अदनान आप मुस्कुराते बहुत हो, अदनान आप मुस्कुराते बहुत हो, और सुना हूं आप शर्माते बहुत हो, सोचा हूं बुलाऊं कभी तुमको दावत पे, लेकिन शेखुपुर वाले बता